देखो, यहाँ कुछ भी आसान नहीं है। इतने सारे ट्रिक्स, इतने सारे गेम प्लान प्यार के खेल को और मुश्किल बनाती है। बेटर ऑप्शन ये है कि लड़की को प्रपोज करो, अगर वो ना कह दे तो किसी और को ढूंढ लो। लेकिन अगर तुम खुद को चैलेंज दे सकते हो, अपने प्यार को हासिल करने का कलेजा रखते हो, तो ये सारा खेल तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अपने प्यार को पाने का, खोने का कश्मकश से गुजर सकते हो। अगर हजारों बार अपना दिल टूटने के बाद भी फिर से नए सफर के लिए तैयार हो सकते हो, तो ये रास्ता तुम्हारे लिए है। प्यार के खेल में एक प्लेयर ही खेलता है, वन साइड लव। मान लो तुमने किसी लड़की को प्रपोज किया और उसने मना कर दिया, तो उसके सामने ऐसे पेश आओ जैसे उसके हाँ कहने से या ना कहने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की को कभी ये मत बताओ, ना ही दिखाओ कि तू नहीं तो और कोई, और नहीं तो और सही। तुम दूसरी लड़की ढूंढ सकते हो, लेकिन जिसे तुमने प्रपोज किया है उसको पता चले बिना, जब उसके ना पर तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा, जब तुम उसके प्रति पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओगे, तब वो वापस आएगी, तब वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। यही प्यार का खेल है। मैंने एक लड़की को प्रपोज किया, उसने ना बोला। उसने कहा, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। थोड़े दिन मैंने उसका पीछा किया, उसको मनाने की कोशिश की। जितने दिन उसका पीछा करता रहा, वो मुझसे दूर भागती रही। मेरी इमेज एक भिखारी जैसी हो गई। कॉलेज के सामने, उसके घर के सामने, उसके आसपास ही घूमने लगा। मैंने उसे पूछा कि तुम मेरे साथ ये गेम क्यों खेल रही हो, तो उसने बोला, वो उसकी मर्जी है। हाँ, ये सही है, ये उसकी मर्जी है। उसने बता दिया, तुम मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। याद रखना, सिंगल साइड लव इंसान को कुछ नहीं देती, वो मजनू बनाती है। और हम सिंगल साइड लव में अपना वक्त, ताकत और पैसा और इमोशन बर्बाद करते हैं। सिंगल साइड लव तुम्हारी जरूरत को दिखाती है कि तुम्हें उसकी जरूरत है। प्यार मांगने से नहीं मिलता, तुम प्यार से भर जाओ, सभी तुमसे प्यार मांगेंगे। फिर मैंने खुद के लाइफ में प्यार भरना शुरू किया। मैंने अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा, फैमिली में घुल मिल गया, मैं घूमने जाने लगा, मैं फिर से म्यूजिक की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मैं अपने लाइफ में इतना खो गया कि मैं उस लड़की को भूल सा गया था। जहाँ उसके लास्ट सीन देखते देखते दिन निकल जाता था, उसके मैसेज का इंतजार रहता था, आज जब एक हफ्ते बाद ऑनलाइन आया तो उसके 107 मैसेज देखे। अब वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ, मिलो मुझसे, कहाँ हो तुम। तुम लड़की को जितना इम्पोर्टेंस दोगे, वो तुमसे उतना ही दूर भागेगी। एक बात सोचो, लड़की को भी प्यार चाहिए, वो भी ऐसा लड़का ढूंढ रही है जिसके पास प्यार हो। लड़की के पास प्यार है ही नहीं तो वो देगी कहाँ से। वो चाहती है उसकी लाइफ फुल ऑन हो, वो घूमना चाहती है, वो एंजॉय करना चाहती है, रिश्तों में रहना चाहती है, वो प्यार चाहती है। तुम उल्टा कर रहे हो, तुम लड़की से प्यार क्यों मांगते हो। मेरी बातें बहुत कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन जो समझ जाते हैं वो एंजॉय करते हैं। लड़की से प्यार मांगो मत, उसे प्यार दो। उसको बताओ वो तुम्हारे साथ जुड़ेगी तो उसे कितना प्यार मिलेगा।